मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कौसा रशीद कंपाउंड के यूनिक हाइट्स इमारत के चौथे मंजिले के खिड़की से एक 4 माह का बच्चा रिजवान चाल में एक घर के ऊपर गिर पड़ा। चौथे मंजिले से बच्चा नीचे घर के पतरे पर गिरा और सर के बल गिरने की वजह से पतरा टूट गया और बच्चे का सर उसमें फंस गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी इलाके के लोगों को लगी, इलाके में हड़कंप मच गया, मगर जिसके बाद इस पतरे को तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया। घटना शाम करीब 4:30 बजे के आसपास हुई है। यूनिक हाइट्स के चौथे मंजिले पर रूम नंबर 403 में रहने वाले मुख्तार चौधरी ने बताया कि वो और उनकी पत्नी बैठे थे और तभी किसी काम की वजह से इस खिड़की में 4 माह के बच्चे को लेटा दिया, तभी ये बच्चा करवट लिया और ग्रिल में जगह काफ़ी होने की वजह से ये बच्चा सीधा रिजवान चाल में बने एक मकान पर जा गिरा। और आप तस्वीरें देखें, इसी पतरे पर ये 4 माह का बच्चा गिरा है और ये पतरा टूट गया। 4 मंजिला इमारत से पतरे पर गिरने के बाद बच्चे के नाक से काफ़ी खून निकलने लगा। आनन फानन में बच्चे को काल शेखर अस्पताल लेकर जाया गया, वहां इस बच्चे का उपचार शुरू किया गया। आपको बता दें कि बच्चे का नाम अफान है, मगर इस हादसे में कहीं ना कहीं माता पिता की लापरवाही भी सामने आ रही है। पूरा घर छोड़कर महज 4 माह के बच्चे को इस खिड़की में लिटा दिए। क्या ज़रूरत थी इस बच्चे को इस खिड़की में लिटाने की? घर में कहीं भी बच्चे को लिटा सकते थे, मगर शुक्र है कि बच्चे की हालत ठीक है। मगर कालशेखर अस्पताल ने रिपोर्ट आने के बाद बच्चे को कालशेखर अस्पताल से रेफर कर दिया है। बच्चे को कल्याण के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, मगर इस तरह की लापरवाही से बच्चे की जान भी जा सकती थी। तस्वीरें देखें, चौथे मंजिले से जिस महिला के घर में ये बच्चा गिरा था, उस महिला ने क्या बताया? उधर हम लोग बैठे थे मैं दो, तो फिर बच्चे इधर से गिर गया तो पत्र पे अटक गया, तो फिर हम लोग आए तो मैं इधर उठा, तो उसके बाद ऐसे पत्र नहीं तोड़ पाई, फिर वो उठे तो फिर दूसरे के वाला भाई पत्र का ऐसे तोड़ के रखा, तो फिर बच्चे कैसे निकाल। ज्यादा मार लगी थी बच्चे? हाँ, तो पूरा नाक से हाथ पूरा खून खून पूरा हो गया था, इधर भी पूरा कितना खून है, तभी भी ऐसा हुआ। क्या नाम आपका? मेरा नाम रेशमा खातून है। कितने बजे हुआ? 4:30 बजे। बहरहाल परिवार के लोग बच्चे को लेकर काफ़ी परेशान थे, उन्हें कल्याण इलाज के लिए जाना था, मगर बच्चे के पिता अख्तर चौधरी ने कैमरे पर जानकारी नहीं दी पाई क्योंकि उन्हें जल्दी कल्याण पहुंचना था। बहरहाल ये ज़रूर बताया कि बच्चे को खिड़की पर लिटा दिए थे और किसी काम की वजह से वहाँ से हट गए थे और इसी दौरान बच्चा करवट लिया और जंगले में ज़्यादा जगह होने की वजह से ये बच्चा सीधा नीचे चौथे मंजिले से गिर गया। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।